हेलो फ्रेंड, दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज जो आईपीएल का मैच आरआर और कोलकाता के बीच में जो खेला जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ मैं ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको विन करने में बहुत ही आसानी मिलेगी और आप अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। तो दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट बताऊँगा मेन मेन जो भी है। अब बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, कुछ ही मिनट का बनाऊँगा। आप पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं और उस तरीके से आप अगर टीम बनाएंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा और काफ़ी अच्छे अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने टीम कुछ बना चुका हूँ और इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं कुछ स्क्रीन शॉट पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो फास्टर बॉलर होंगे ना वो सबसे ज़्यादा चलेंगे, ठीक है। स्पिनर इसमें कुछ खास नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि मुंबई में मैच हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं संजू सैमसन को देख सकते हैं, इसने तुम्हारे 10 मैच खेल के 365 रन बनाए हैं। जोस बटलर ने देख लो 15 मैच खेल के 44, ठीक है। यहाँ पे राहुल टेवटिया भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ये रियल प्राग, ये आप चाहे ले सकते हो, बैट्समैन में है, लेकिन मैं तो इसको फिलहाल नहीं लूँगा। यहाँ पे गोपाल, श्रेयस गोपाल, ये भी ये शायद खेलेगा नहीं खेलेगा, इसका कुछ अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। और आंद्रे टाई, ये खेल नहीं सकता शायद, ये नहीं खेल रहा शायद, ये भी नहीं खेल रहा। डे मिलर, ये खेलेगा तो आप देख सकते हैं 9 मैच में 210 रन, ठीक है। क्रिस मॉरिस, इसने तुम्हारे 6 मैच खेल के 93 रन मारे हैं और 5 विकेट। क्रिस मॉरिस, तो इसको याद रखना, क्रिस मॉरिस, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी जा सकते हैं। मुसाफिर को चलो नहीं, ये तो नहीं खेल रहे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये वाला देखो दोस्तों, मैं बहुत बेहतरीन अलग अलग हर जगहों से देख के फिर निकालता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा आपको, मैच भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। मैं कुछ मेन मेन चीज़ें निकालता हूँ और जो चीज़ें काम की होती है वही चीज़ें बताता हूँ, और वरना कोई फालतू चीज़ें बताने की जरूरत ही नहीं है, वो आप सब जानते हो पहले से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए शुभम गिल का देखिए, 3 मैच खेल के 16 रन, फ्लॉप रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नीतीश राणा 10 मैच खेले हैं अभी तक और इसमें इन्होंने 264 रन, ठीक है। ये पहले का बता रहा हूँ, सारे पहले के, ठीक है। आप याद रखना, नीतीश राणा, शुभम गिल, आर तृप्ति, इसको 4 मैच में 54 हो गए तुम्हारे। ई मॉर्गन का, तुम्हारा ई मॉर्गन पे ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, ई मॉर्गन का ध्यान देना, मैंने फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। और दिनेश कार्तिक, ये दो आपको काफ़ी अच्छे फॉर्म में आज दिखेंगे और काफ़ी अच्छा रन भी बनाएंगे। आंद्रे रसल को आप ले सकते हो ऑलराउंडर में, ठीक है। साकिब अगर खेलते हैं दोस्तों तो साकिब को भी लेना है। हरभजन सिंह आज शायद नया खेले, और तुम्हारा पैट को भी आप ले सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे बॉलर इसमें रहेंगे, ठीक है। कृष्णा का दोस्तों, इस मुंबई में कृष्णा को ज़्यादा विकेट मिले नहीं है मेरे ख्याल से, अभी जितने भी खेले हैं मुंबई के ग्राउंड में कुछ विकेट नहीं मिले इनको, आप देख सकते हैं, ठीक है। वी चक्रवर्ती, ये तो खैर इनका तो अभी कोई वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैच मैं आपको बताऊंगा इनमें से लेने कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट जो आरआर और कोलकाता के बीच में जो हेड टू हेड हो चुका है, आप उसमें देखिए, आरआर ने 10 विन किए और तुम्हारे कोलकाता ने 12, ठीक है, मानते हो ना। तो उसके बाद दोस्तों अब ये देखिए, ज़्यादा दोनों में बीच में ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं है, दोनों टीम बिल्कुल सेम है। अब मैं बता, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे जो मोस्ट जो रन जिन्होंने मारे ना अभी तक, ये देखिए, दिनेश कार्तिक, सैमसन, संजू वाला, आंद्रे रजल, जोस बटलर और ई मॉर्गन। दोस्तों इन पांचों को आप ले सकते हो, ठीक है, अपने टीम के अंदर। और जो मोस्ट विकेट लेने वाले हैं वो हैं सुनील नायर, एसएल, हसन जो है, शिवम और आंद्रे और पैट, ठीक है। ये दोस्तों इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार, इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का बस एक स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट आपने अगर वीडियो देख रहे हैं तो। अब चलते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, लास्ट जो परफॉर्मेंस इन्होंने की है उस किस तरीके से की है। देखो शुभम गिल आप देख सकते हैं यहाँ पे 47, 36, 6 और 1 तुम्हारे 14,
ठीक है, नीतीश राणा 22-21-35 एक में फ्लॉप रहा था, लेकिन नीतीश राणा ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ। और तुम्हारे अंद्रे को देखिए, रजल को तुम्हारे 24-25-14-11, दिनेश कार्तिक को देखिए, यहाँ पे तुम्हारे काफ़ी अच्छे फॉर्म में 2 बार रहे हैं ठीक है अभी तक। और तुम्हारा ई मॉर्गन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, इसका भी ध्यान देना, मैं फिर बता रहा हूँ, ई मॉर्गन और दिनेश कार्तिक इन दोनों को ज़्यादा ध्यान देना ठीक है। जॉस बटलर ये भी काफ़ी है, हाँ दोस्तों जॉस बटलर को भी लेना ज़रूरी है। देखो आपको तीन बता दूँ मैं, अगर ग्रैंड लीग या बड़े कोई लीग खेल रहे हो ना, ये तीनों को पिक जरूर करना ठीक है, छोड़ना मत। और उसके बाद दोस्तों कौन कौन से पिक करने हैं आपको बताता हूँ, सुनील नायर को जिसने देखो विकेट लिए हैं, एक विकेट 0 और 2 विकेट ठीक है। बैट ने तुम्हारे ये 2 मैच इस ग्राउंड पे खेल के देख सकते हो, तुम्हारे एक तो 2 विकेट लिए हुए हैं, मतलब ये 2 बार लिए हुए हैं 1 विकेट और 4 विकेट। शिवम 2-2-1-1 ठीक है। कमलेश 2 विकेट, दो एक बार 2 लिया, 1 बार 1 लिया है। ये दोस्तों ये जो है ना, ये मेन वो हैं जो मतलब ज़्यादातर विकेट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार रख लो इसका भी, 1 मिनट रुको मैं बैक कर दूँ पहले इसको, हाँ इतने का स्क्रीनशॉट एक बार रख लो, सॉरी एक बार इतने का स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास इसका भी ठीक है। इसमें आपको ये दिखेगा कि कौन ज़्यादा विकेट लेता है, ये हैं तुम्हारे विकेट लेने वाले और ये हैं तुम्हारे खेलने वाले ठीक है। अब इसके अंदर आपको कौन सा बेस्ट लगता है आप ले सकते हो उसमें, और मतलब एक अगर अपने तरीके से एक टीम अच्छी बना सकते हैं दोस्तों। फालतू चीज़ें आपके दिमाग में क्यों डालना हो रहा है कि इसने इतने मारे, इसने इतने मारे, इसने इतने मारे, छोड़ दो सब कुछ। अब बस मेन चीज़ें देखो किसने कितना क्या किया अभी तक और कितना कुछ बनाया है ठीक है। उसके बाद आप वीडियो मतलब टीम बनाए अपना। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास कुछ खास कुछ यहाँ पे है नहीं ठीक है। अब चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। ओह एक मैच लगा रखा था मैंने अभी, ये मैंने जल्दबाजी में थोड़े मैच बना दिया दोस्तों, क्योंकि अब इसमें देखना एक बार, मैंने जो जे कैम को कैप्टन बना रखा है इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। देखिए 16% लोगों ने ले रखा है और 3% लोगों ने वाइस कैप्टन और 1% लोगों ने कैप्टन, बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों ठीक है। उस तरीके से मैंने भी बना दिया दोस्तों, अभी तो रैंक में आए रहा हूँ। अगर मेरा कैप्टन यहाँ पर कैप्टन अगर खड़ जाए ना तो रैंक पकड़ लेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कल ऐसी ही मेरे साथ ऐसी बैक नहीं हो रहा सॉरी, ऐसी कल जो हमने एक उसका मैच खेला हुआ था, पहले मैं आपको दिखा दूं, अब देखने के बाद ही बता सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाऊंगा दोस्तों ठीक है। मैं ज़्यादा लगाता नहीं हूँ, छोटा मोटा अमाउंट मतलब लगा दिया कल मैंने इस पे लगा दिया था, तुम्हारे कहाँ गया ये दोस्तों। यहाँ पे क्या किया कल मैंने, थोड़ा सा गलती हो गई थी एक, बस एक मैं गेल को लेना था मुझे, लेकिन मैंने गेल लिया नहीं यहाँ पे ठीक है। गेल को लेना, और मैंने वाइस कैप्टन एम अग्रवाल को बना दिया था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने और भी टीम बनाए हुए थे दोस्तों ठीक है। मैं गेल को ले नहीं पाया, मैंने यहाँ बुमराह को भी दिया हुआ था और तुम्हारे डी हुड्डा को भी मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन का दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी टीम बना सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से करके, बस आपको ड्रीम इलेवन पर जाना है, अपने हिसाब से टीम को देखना है। मैंने यहाँ पे अभी तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, देखो एस सैमसन को हम संजू संजू को तो हम मैं शायद ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे मैं जो खेलता हूँ ग्रैंड लीग और या मिनी मतलब जीएल वही खेलता हूँ फालतू, और ये फालतू चीज़ें नहीं खेलता कि 4 बंदों के साथ, 5 बंदों के साथ या कितने बंदों के साथ भी ठीक है। जीतना है तो एक बार जीतो, बड़ा जीतो ठीक है। दिनेश कार्तिक को मैं यहाँ लूंगा जरूर, 27% लोगों ने ले रखा है, लेकिन शाम तक देखना बहुत हो जाएगा। जे बटलर को भी लूंगा जरूर। नीतीश राणा मैं इनको ड्रॉप करके इनकी जगह पे मैं कोई और ले सकता हूँ, मैं नीतीश राणा को ड्रॉप करके शायद कुछ और ले सकता हूँ, लेकिन नीतीश राणा जो पहले जो खेलने आएंगे, मैं खैर नहीं चाहता कि इनको कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम हो मेरे, बाद में ये कहीं रन मार दे और बाद में कुछ पछताना पड़े ठीक है। मैं मतलब खैर ज़्यादा मोस्ट लोगों ने ले रखा है तो चलो ले ले लेना ज़रूरी है उसको भी ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा ना, इसकी जगह पर कोई और ले लूँगा, तो दोस्तों अगर ये चल गया ना तो पूरा मेरा पूरा मैच का जो टीम है ना पूरा ख़राब हो जाएगा ठीक है। इसलिए मैंने इसको लेना मेरा ज़रूरी है अभी, वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा दोस्तों कि रितेश जो राणा है इनको लेना है या नहीं लेना है। मैं टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया, बस वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने रजल और तुम्हारा सी मोरिस को लिया है, देखो दोस्तों
दोस्तों इस बार जो सी मोरिस है ना, ये ठीक है, ये कोलकाता के खिलाफ काफी अच्छा बॉलिंग कर लेते हैं और विकेट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये काफी परफॉर्मेंस आज इनका भी सही रहेगा, इनका भी अच्छा रहेगा, तगड़ा रहेगा। ज्यादातर तो मेरा तो मानना है टी कार्तिक का रहेगा और तुम्हारा दूसरा ई मॉर्गन, ये दोनों का मैच देखना है मुझे। टिविटिया को लेंगे नहीं, एस नायर को आप ले सकते हैं यहाँ पे, या एस दुबे को ले सकते हैं। ये आपके तीन चॉइस यहाँ पर और हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ये खेलता है एल हसन तो इसको लेना जरूरी है, इसको हम ले लेंगे अपने टीम में, ठीक है। अगर ये नहीं खेलता तो हम यहाँ से किसी एक को ले सकते हैं, एस नायर से और एस दुबे से, ठीक है। एस दुबे भी अच्छा परफॉर्म कर रखा था इसने भी, काफ़ी कल परसों का मैच आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा मारा है इसने रन भी, ठीक है। तो यहाँ पे बॉलिंग में आ जाइए, भी पैट को हम लेंगे यहाँ पे, स्क्रिया को छोड़ देंगे, वी चक्रवर्ती को छोड़ देंगे, एम रहमान को भी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एम रहमान को भी ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे तुम्हारा मेरे ख्याल से यहाँ पे बॉलिंग में एक की दिक्कत हो रही है, सक्रिय को हम ले सकते हैं क्या? हम जा सकते हैं, इनका अभी का परफॉर्मेंस देखो, एक बार दो, ये दो बार चले हुए लेकिन, तो और दो बार इनकी बॉलिंग का आया नहीं शायद, ठीक है। हम इनके ऊपर लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। हम इस तरीके से कुछ टीम बनाएंगे, और टीम दोस्तों अभी ये फाइनल टीम नहीं है, इसके बाद जो टीम आएगी वो टेलीग्राम पर मैं शाम को देता हूँ, जब भी मैच होता है 10-15 मिनट पहले दे देता हूँ, ठीक है। वो भी GL और SL भी अलग से देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी बन जाएगी कुछ इस तरह की टीम, यहाँ पर हम एक और ऑलराउंडर को और लेंगे, हम लेंगे दुबे को, नहीं दुबे तो खैर नहीं, एस दुबे नहीं, एस नायर को ले लेंगे। अब यहाँ पे रही मेन सबसे तगड़ी बात कि कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे बनाया, किसको दे, ताकि अगर वो चलेगा नहीं चलेगा, बस ये दिमाग में रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का मैं अगर ग्रैंड लीग खेलना चाहता हूँ ना, बड़े से बड़े ग्रैंड लीग खेलना चाहता हूँ ना, और लोगों ने जिसको कम बनाया होगा ना, मैं उसी को लूंगा, मैं लोगों के उसमें नहीं जाऊंगा। 21% लोगों ने इनको बना रखा था दोस्तों, यार अगर मैं भी बना दूंगा तो कहाँ ग्रैंड लीग जीत पाऊंगा, मानते हो ना। यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, इनको वॉइस कैप्टन दे सकते हो, और एक ऐसा जो चल जाए बस, दिनेश कार्तिक, याद रखना मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, दिनेश कार्तिक अगर खेलने आते हैं सही टाइम पे, सही समय पे खेलने आते हैं और उनको मिल जाता है, उनके बल्ले में बॉल लग जाती है ना, तो दोस्तों आप देखना। या दूसरा मैं दे सकता हूँ ई मॉर्गन को, डी मिलर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे चलते हैं, लेकिन डी मिलर को अभी मैं नहीं दूंगा, या मैं सी मॉरिस को, अगर हेड टू हेड खेले तो सी मॉरिस और रिजल को लेके चलो अपने साथ साथ, और इन्हीं को बनाओ, ठीक है। तो आज के अभी फिलहाल में ये भी मैं ये ग्रैंडली कोई टीम नहीं है मेरा, ऐसे ही मैंने बना रखे हैं, इनको मैं बनाऊंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है उसके लिए, ठीक है। तो अभी का तो मैच पता नहीं क्या चला, 16 रैंक पर यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने ये टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी नहीं दी, क्योंकि कुछ इशू है उसके भी, ठीक है। मैं बाकी टीम देते रहता हूँ टेलीग्राम पे, यहाँ पे मेरे यहाँ पे अलग सा चैनल है, ठीक है। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।